सवाई माधोपुर जिले में नाथ समाज ने लगातार बुधवार को तीसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन जारी रखा। धरने का मुख्य कारण लंबे समय से नाथ समाज शमशान भूमि की मांग कर रहा है, जिसमें समाज अपने मृतकों की समाधि बना सके, लेकिन सरकार ने समाधि के लिए 2 गज जमीन भी देना उचित नहीं समझा। ऐसे में आक्रोशित नाथ समाज ने प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी बनाकर सरकार को चेतावनी दी है। अगर वर्तमान सरकार नाथ समाज की समाधि के लिए जमीन की मांग पूरी नहीं करती है तो नाथ समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। से पहले पहले सरकार और प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमारा धरना तो अनिश्चितकालीन समय के लिए है ही, लेकिन हम लोग सत्ता में विराजमान पार्टियों का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पिछले 72 सालों से नाथ संप्रदाय को आज तक समाधि की भूमि आवंटित नहीं की गई है, जबकि कब्रिस्तान और शमशान घाटों के लिए हर साल लाख हेक्टरों की जमीनें आवंटित होती हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय प्रशासन और सरकारों की नज़रों में नहीं है। ना तो हमारे पास समाधि और शमशान भूमि के निमित्त कोई जमीन नहीं है। नाथ संप्रदाय के लोग अंतिम संस्कार या तो अपने बाड़ों में करते हैं या अपने घरों में समाधि देते हैं, और बरसों से हमारे को ये आश्वासन देते रहते हैं कि नाथ संप्रदाय के आशीर्वाद से हम एमपी बनते हैं। इनसे पूछना चाहती हूँ, मैं इन सरकारों से कहना चाहती हूँ कि फिर नाथ संप्रदाय को आपने दिया क्या? आज तक हमारी दिवंगत आत्माएं हैं वो भी हमारे घरों में।